नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस में यूपी जीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के टॉप 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और प्यारे साथियों, आज का हमारा चैप्टर है खनिज संपदा, वन्य संपदा एवं वन्य जीव। इससे बनने वाले टॉप 25 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो वो प्रश्न आज के हमारे इस वीडियो से बाहर जाने वाला नहीं है। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और यूपी जीके उन्होंने अभी तक चैप्टर वाइज नहीं पढ़ी है तो चैप्टर वाइज पढ़िएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार चैप्टर वाइज करा रहा हूँ और ये हमारा चैप्टर 11वां चल रहा है। इससे मैं 10 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। अभी तक वो नहीं देखे तो सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वन क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दो है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदु के पत्ते का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहण होता है वो करता है उत्तर प्रदेश वन निगम। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो कौन से जिले में है सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो आप जानते हैं ये है सोनभद्र जनपद में। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। और इनमें से अगर आपके जनपद का नाम बताया जाता है तो कृपया भाई या बहन आप कमेंट बॉक्स में अपने जनपद का नाम जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कौन से जनपद से देख रहे हो। प्रश्न संख्या चार है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है। तो कौन से जिले में है सबसे कम वन प्रतिशत, तो भदोही जिले में सबसे कम वन प्रतिशत है। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या चार। प्रश्न संख्या पाँच है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुई। तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी ये प्रारंभ हुई 1979-80 में। तो पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीन। प्रश्न संख्या छः आपके सामने कि सामाजिक वानिकी का कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ है। तो कौन सा पेड़ सिद्ध हुआ है, तो सामाजिक वानिकी के लिए ये यूकेलिप्टस का पेड़ है ये घातक सिद्ध हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा पानी को अपनी ओर खींचता है तो इसलिए घातक सिद्ध है। तो छः का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दो। प्रश्न संख्या सात है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है। तो कौन से जनपद में, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला ग्राम वन है ये है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में। किसमें, सोनभद्र जनपद में। तो सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या चार। प्रश्न संख्या आठ है आपके सामने कि वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से चलाई जा रही है। तो कब से चलाई जा रही है, तो वृक्ष बंधु पुरस्कार जो योजना है ये चलाई जा रही है 2007-08 से। तो आठ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दो। प्रश्न संख्या नौ है आपके सामने कि वीर अब्दुल हामिद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई है। तो कब से प्रारंभ हुई, तो वीर अब्दुल हामिद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना ये प्रारंभ हुई है कब से हुई, ये 2012-13 से। तो नौ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीन। प्रश्न संख्या दस है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है। तो कब से प्रारंभित, उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव मनाने परंपरा प्रारंभ हुई है
1952 से, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दो। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिसंरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ की गई, तो कहाँ पर की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दो। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लखीमपुर खीरी जनपद की सीमा कौन से देश के साथ लगती है। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संशोधित भूमि क्षेत्र है, तो कितना है, तो इसके लिए न्यूनतम संशोधित भूमि क्षेत्र है 33%, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दो। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है, तो कितने प्रतिशत भाग पर है, तो ये हो जाएगा 1/3 भाग पर, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल में जो वनों का क्षेत्रफल है वो है 21%, कितना है 21%, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। प्यारे साथियों, आपको अभी तक प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन, तो ये हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में, तो यहाँ पर 3 कर लीजिएगा ऑप्शन 3, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है वनों का उच्चतम प्रतिशत, तो ये मिलता है मिजोरम में, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भारत में नवीनीकरण का प्रभाव नहीं है, तो कौन सा नवीनीकरण का प्रभाव नहीं है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो ये हो जाएगा नगरीकरण, क्या हो जाएगा नगरीकरण, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो कहाँ पर है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक ये आपको बताना है, तो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा पूर्वी दक्कन में, कहाँ पर पूर्वी दक्कन में, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। तो एक प्रश्न का मैंने गलत आंसर बता दिया, मैं उसका मैं आपको माफ़ भी चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने मिजोरम राज्य बताया ये 2013 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बता दिया है, तो इसकी जो नई रिपोर्ट आई उसके अनुसार ये अरुणाचल प्रदेश है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 कर लीजिएगा, ठीक है सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है, तो कितना है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो सघन वनावरण का प्रतिशत है वो है लगभग 12%, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि वन अनुसंधान संस्था स्थापित है, तो कहाँ पर है वन अनुसंधान संस्थान, तो ये स्थापित है उत्तराखंड राज्य में देहरादून में, कहाँ पर है देहरादून में है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, तो कितने प्रतिशत वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं विश्व के टोटल वन्य जीवों में से, तो ये पाए जाते हैं 5%, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1।
प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी मछली है, तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी मछली ये आपको बताना है। तो भारत की जो सबसे बड़ी मछली है वो है व्हेल शार्क। क्या व्हेल शार्क है भारत की सबसे बड़ी मछली? तो ऑप्शन संख्या 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 का राइट आंसर दूसरा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है, तो कौन सा जानवर है WWF का प्रतीक? तो इसका जो प्रतीक जानवर है वो है ज्वाइंट पांडा। क्या है? ज्वाइंट पांडा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। फिर संख्या 25 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का मेरे प्यारे साथियों की गैवेलियस भौतिया में पाया जाता है, तो कहाँ पर ये पाए जाते हैं घड़ियाल सबसे ज़्यादा? तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाती है गंगा नदी में। कहाँ पर? गंगा नदी में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। तो प्यारे साथियों ये टॉप 25 प्रश्नों का ही प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।